महिलाओं के साथ होने वाले अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। छतरपुर में एक महिला की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया गया। वहीं एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाला बदमाश पुलिस कस्टडी से भाग गया। पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। नाबालिग लड़की के अपराध का आरोपी गढ़ी मलहरा पुलिस स्टेशन से ही फरार हो गया है। पुलिस बीती रात ही उसे पकड़ कर लाई थी। इस मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। आरोपी के फरार होने पर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये गढ़ी मलेरा थाने में धारा 363 IPC के तहत एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था इसी माह, और उसके एक आरोपी को जो कि 24 वर्षीय एक युवक है, इसको कल थाने में रात में लाया गया था, किंतु आज सुबह ये फरार हो गया। और इसमें मैंने SDOP से रिपोर्ट मांगी है कि किन कर्मचारियों की लापरवाही से फरार हुआ है, और उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इसकी तलाश भी। अलीपुरा थाना क्षेत्र में एक 45 वर्षीय महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। महिला की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। जानकारी लगते ही एसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। एसपी ने कहा हत्या के कारणों का जल्द खुलासा किया जाएगा। ये अलीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे अलीपुरा में सोराना मोहल्ला में एक कुआं है। कुएं में एक महिला की बॉडी मिली है। महिला की आयु लगभग 45 वर्ष के आसपास है, और इसका पति जो है बीती रात को अपने खेत में गया हुआ था, और महिला जहाँ जानवर बनते हैं उस स्थान पे अकेली सो रही थी। संभवतः रात की ये घटना है, और प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है। इसमें FSL की जो टीम है उसने मौका मुआयना कर लिया है, और हमारा प्रयास है कि जो भी इस घटना के पीछे है इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द उसको हम गिरफ्तार करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।